का बड़ा फैसला आया है। सार्वजनिक जगहों पर अब छठ मनाने से रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से सामूहिक तरीके से छठ मनाने पर रोक लगा दी गई है। अपने अपने घरों में अब लोग छठ महापर्व संपन्न करेंगे। यमुना के तट पर बड़ी संख्या में जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं दिल्ली में, वहां पर छठ किया करते थे, लेकिन चूंकि दिल्ली में कोरोना बहुत बड़े पैमाने पर भी फैला हुआ है, कोरोना के मरीज काफी ज्यादा संख्या में निकल रहे, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला सुना दिया है। लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए थे छठ मनाने की अपील लेकर, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर, जलाशयों में या घाटों में हम कह सकते हैं, छठ मनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन काफी विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया। अब जलाशयों में गाइडलाइंस के साथ लोग छठ महापर्व संपन्न कर सकते हैं, घाटों पर जा सकते हैं अर्घ्य देने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब सार्वजनिक जगहों पर दिल्ली में छठ नहीं मना सकेंगे लोग, जलाशयों के किनारे नहीं जा सकेंगे, घाटों पर नहीं जा सकेंगे, उन्हें अपने घरों में ही छठ महापर्व संपन्न करना होगा। अब जलाशयों में अर्घ्य देने पर सामूहिक रूप से रोक लगा दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब ये बड़ा झटका है छठ व्रतियों के लिए, जो छठ महापर्व को घाटों पर संपन्न कराना चाहते हैं उनके लिए ये बुरी खबर। दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने भी ये निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने भी कहा सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं मनाया जा सकता, चूंकि महामारी फैली हुई है, इसलिए लोग अब अपने घरों पर ही छठ महापर्व संपन्न करेंगे। बड़ा झटका ये झारखंड, बिहार और यूपी के लोगों के लिए। छठ दिल्ली में वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे, उन्हें अपने घरों में ही छठ महापर्व संपन्न करना होगा। और कोरोना को देखते हुए तमाम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ताकि कोरोना और ज्यादा ना फैले और बड़ी महामारी का रूप अब ना ले, जबकि लगातार कोशिशें हो रही हैं कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, ये बड़ा झटका है जो झारखंड, बिहार और यूपी के लोग हैं उनके लिए, जो आस लगाए बैठे थे कि शायद हाईकोर्ट से उन्हें परमिशन मिल जाए घाटों पर छठ महापर्व संपन्न कराने के लिए। आसिया देखिए, एक बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल सरकार के खिलाफ यहाँ के जो छठ पूजा की जो समितियां हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, पिटीशन डाला था और कहा था कि छठ पूजा को सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड के गाइडलाइन है उसके मुताबिक दिल्ली का यमुना किनारे जो सार्वजनिक घाट स्थल हैं उसके बाहर मनाए जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ इनकार कर दिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हालात है कोरोना को लेकर के दिल्ली में, ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर छठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इनकार किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, और एक बड़ा झटका है पूर्वांचलियों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। तकरीबन 40% जो आबादी है दिल्ली की वो पूर्वांचली है, जिसमें बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बलिया के, आजमगढ़ के, बहुत सारे जगहों के लोग रहते हैं। और इसलिए देखिए कि जो नहाय खाय से शुरू हो रहा है लोक आस्था का पर्व, वो अब बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ के घाटों पर साफ सफाई का कार्यक्रम भले ही चल रहा था, लेकिन देखिए कि जो छठ घाट है, यहाँ जो पूजा समितियाँ हैं छठ घाट को लेकर के, वो फिलहाल यहाँ बंद है, सुनसान है, वीरान है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन्हें इजाजत देने से मना कर दिया है। सीधे तौर पर कहा गया, क्योंकि आसिया देखिए जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं।
24 घंटे में तकरीबन 6,700 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकल गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है एक शहर में। 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी मौत का रेशियो सबसे ज्यादा है। आईसीयू के अस्पताल 650 केंद्र सरकार ने कहा है कि वो उन्हें देगा, लेकिन अभी तक वो डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक, जो केजरीवाल सरकार के मुताबिक, जो 200 शादियों में इजाजत थी गाइडलाइन के तहत शिरकत करने की, उसे 50 कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन एलजी की तरफ से कर दिया गया है। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं दिल्ली के, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मिनी लॉकडाउन लगाए जाएंगे, वो भी नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा, क्योंकि त्योहारों के मौसम में लापरवाहियों की वजह से ये संक्रमण का खतरा बढ़ा है। तो ये चीजें हैं। जो सटे हुए इलाके हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, हरियाणा का गुड़गांव है, वहाँ पे सीमावर्ती जगहों पे बकायदा इलाज, खास करके रैपिड टेस्टिंग किट कराए के जरिए कराए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये बहुत ही बेहतर संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए किया जा रहा है। शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा झटका है पूर्वांचल के लोगों के लिए जो दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए हैं। लगातार दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसलिए हाईकोर्ट ने भी जलाशयों में, घाटों में छठ पूजा मनाने पर पाबंदी लगाई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।